नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज के इस खास रिपोर्ट में आपको बताने वाले कि भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह और काजल राघवानी की फिल्म मैंने उनको सचिन चुन लिया का ट्रेलर रिलीज डेट सामने आ चुका है। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 14 जनवरी के दिन यानी आज से ठीक दो दिन के बाद मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इस फिल्म का ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा। वेव म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पर ये बात पूरी तरह पक्की हो चुकी है। साथ ही दूसरी तरफ इस फिल्म को एक साथ 5 शहरों में रिलीज़ किया जाएगा। यूपी, बिहार, नेपाल, झारखंड और मुंबई के शहरों में इस फिल्म को फरवरी के महीने में तीसरे सप्ताह में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। वैसे ये देखने वाली बात होगी क्योंकि पवन सिंह और काजल राघवानी की जोड़ी कई सालों के बाद आ रही है और वैसे भी ये सुपरहिट जोड़ी है, तो देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कितनी सुपरहिट हो पाती है और साथ ही ये फिल्म कितना कलेक्शन कर पाती है, कितने करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म पूरी तरीके से लव स्टोरी टाइप की है। इसमें आपको पवन सिंह और काजल राघवानी का रोमांस देखने को मिलेगा। साथ ही दूसरी तरफ इस फिल्म के लोकेशन को देखने के बाद शायद आप भूल जाएंगे कि आप भोजपुरी फिल्म देख रहे हैं। वैसे आप सभी दर्शकों को हम जानकारी के लिए बता दें कि जब काजल राघवानी सबसे पहले आई थी, जब भोजपुरी फिल्म में उनका नाम नहीं था बिल्कुल भी, तो इन्होंने पवन सिंह के साथ काम करके इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना दी थी। पवन सिंह के साथ इनकी सबसे सुपरहिट जोड़ी मानी गई थी। आज से ठीक 2 से 3 साल पहले की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद इन्होंने पवन सिंह से जोड़ी तोड़ते हुए खेसारी लाल यादव के साथ ये लगातार काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छी फिल्में बना रही हैं। और इसके बाद ही कई सालों के बाद पवन सिंह के साथ एक बार ये फिर से दिख रही हैं, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये फिल्म सुपरहिट हो पाती है। वैसे आप सभी दर्शकों के हिसाब से काजल राघवानी किसके साथ सबसे अच्छी लगती हैं, पवन सिंह के साथ या खेसारी लाल यादव के साथ किसकी जोड़ी सबसे अच्छी लगती है, सभी दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भोजपुरी की सभी ताज़ा खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस लाल रंग के बटन को दबाकर। धन्यवाद।